भाभी जी घर पर हैं। तिवारी जी इस बार ठीक कह रहे हैं। आज उन्होंने मुझे बिल्कुल नहीं पकाया, बल्कि उन्होंने मुझे पिकनिक पे चलने का बहुत कमाल का आइडिया दिया है। तिवारी जी तुम्हें पिकनिक पे लेके जा रहे हैं? ओहो, मुझे नहीं, हम सब जा रहे हैं, हम चारों मिलकर घूमने जा रहे हैं। हाँ पगली, इस बार हम तुम्हें वो चिंपूगढ़ ले चलेंगे। अंगूरी जी आप पिकनिक पे चलने की तैयारी कीजिए। एक तो तुम लोग मेरी भाभी माँ को खोकर आ गए और ऊपर से यहाँ पे बैठ के घड़ियाली आंसू बहा रहे हो। लानत है तुम लोगों पे, आपने मेरी भाभी माँ को खो दिया। धिक्कार है आप पे नल्ले आदमी, तू है आप पर तू पापियों अधर्मियों, मेरी भाभी माँ को निगल के यहाँ पे बैठ के अय्याशी कर रहे हो, डूब मरो कमीनो। ये है रेशमी जुल्फों का अंधेरा, ना घबराए जहाँ तक महक है मेरे केसों की चले आई। इतना चाहते हैं आप मुझे? क्या क्या कहे भाभी जी, मुझे सब पता है। क्या क्या पता है जी? रमैया अवस्था वही है ना, का मतबली ना आई पता है। आई लव यू, क्या बोल रहे हैं? मतलब ये रमैया अवस्था भैया का मतलब होता है आई लव यू? रमैया अवस्था भैया का तो मतलब ये होता ही नहीं है। का है आप हमको ये आई लव यू मतलब बताए? हाँ, कल रात को तुमने मुझे नहीं बताया था कि तुम अंगूरी जी से कितना प्यार करते हो? क्या बोल रही हैं आप? और क्या हुआ? ये भी तो कितना लाइन मारते हैं मुझ पर। क्या कह रही है भाभी जी? कल रात को जब मैंने आपको किस किया था तो आप कितने खुश हो रहे थे। रमैया अवस्था भैया, रमैया अवस्था भैया, मैंने दिल तुझको दिया, मैंने दिल तुझको दिया, ओ रमैया अवस्था भैया, रमैया अवस्था भैया। दिल देख देख भाभी जी मजा आ जाए। क्या बोले? मैं कहा भाभी जी गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग भरभूति जी, गुड मॉर्निंग। हदिया, हाँ हमको ना एक तो बात का जरा मतलब बताइए, क्या होता है? पूछिए ना। हाँ तो अभी हम जो ये गाना गा रहे थे ना, उन्हें हमको गाना बहुत ही पसंद है, बहुत पसंद है, लेकिन हमको ये गाने में जो रमैया अवस्था भैया है ना, का मतबली ना ही पता है। आई लव यू। अच्छा ये क्या बोल रहे हैं? मतलब ये रमैया अवस्था भैया का मतलब होता है आई लव यू। हाँ ये का मतबल आई लव यू होता है। मैंने कहीं किसी किताब में पढ़ा था, ऐसा मुझे याद पड़ता है। रमैया अवस्था भैया मतबल आई लव यू। हेलो अंगूरी जी। हेलो अनीता जी, कैसे बा? कौन ये कहाँ से आ गए कबाब में गोरी हड्डी? और विभूति क्या गपशप हो रही है? ऐसे जनरली टाइम पास। अनीता जी हम ना विभूति जी से रमैया अवस्था भैया का मतबल पूछ रहे थे। ओ रमैया अवस्था भैया का मतलब पूछ रहे थे आप? भाभी जी, तिवारी जी। हदिया क्या हुआ भरभूति जी? क्या हुआ, काय परेशान लग रहे हैं? तिवारी जी अनु तो नहीं आए थे ना यहाँ पे? नहीं यहाँ तो ना ही आई। पता नहीं क्यों बड़ी फिक्र हो रही, दिल बड़ा घबरा रहा है और पल्स बहुत फास्ट चल रही है। I don't know, मैं फोन लगा रहा हूँ तो फोन नहीं उठा रही, पता नहीं कहाँ चली गई। अरे हमें पता है गोरी मैम कहाँ चली गई, तो बताइए कहाँ चली गई है? वो खतरनाक मुजरिम जेके के साथ में फरार हो गई है। What? सीमा पर आप खड़े हैं। चिंपूगढ़ की सीमा? लेकिन आप है कौन, किसी ने आपको किडनैप किया है का? देखिए भाई साहब अभी मैं ये सब कुछ नहीं बता सकती, आप प्लीज मुझे मेरे हस्बैंड से बात करा दीजिए। आपके पास मोबाइल फोन है? हाँ जी। प्लीज प्लीज मुझे बात करा दीजिए। ये लीजिए बहन जी। थैंक यू सो मच। अरे कछु ना पूछो भैया विभूति, गोरी मैंने हमारे साथ अकेलू नहीं कानून के साथ धोखा करता हुए
अरे अब रोना बंद कीजिए और बताइए कहाँ धोखा किए हैं। ये तो बहुत ही टन्नू माल है, ये कहां से पैदा है गई? कसम से कह रही हूं भैया, आज से पहले ये आइटम देखा ना इस मोहल्ले में। जालिमो यार, मोको तो लगता है अनीता भाभी ने नई नौकरानी रखी है गई। अरे यार, अगर अनीता भाभी ने ना ये कातिल नौकरानी रखी है ना, तो हम तीनों पे बड़ा उपकार कर रहे हैं यार। ओह शिट, माय गॉड। ए नमस्ते जी। आप लोगों ने मुझसे कुछ कहा क्या? मैडम, अब कौन से गांव से हो? मैं तो हुसनपुरा से हूँ। जे हुसनपुरा कहाँ है जी? ये आशिक नगर के बगल में है जी। अरे मोरी मैया, अब मारी डालोगी? और जे आशिक नगर कहाँ पे है गो? ये जो आशिक नगर है ना, ये बिल्कुल मोहब्बत गंज के पीछे है। टिल्लू मलखान, ये गांव को नाम तो यार कभी सुनो ना, ये गांव कहाँ से आ गए थे अजीब से यार। अरे तुम लोग कैसे सुनोगे, तुम लोग छिछोड़ नगर में जो रहते हो। यार टीका मलखान, ये तो लूट के ले गए टिल्लू को। जालिमो, तुम्हारी जान कसम खा रहा हूँ, जा समो की शादी है गई ना, तो पूरे एक साल तक घर से बाहर नहीं निकलूंगा। तू एक साल की बात कर रहा है, मैं 5 साल तक नहीं निकलूंगा। यार मैं तो जिंदगी भर बाहर ना निकलूंगा, बस सारा टाइम उसके पैर ही दबाता रहूंगा। यार टिल्लू मलखान, यार एक काम करते हैं, अनीता भाभी के पास में जाके है ना, इससे सेटिंग करने की बात करते हैं यार, अपना सब कुछ टांकाओं का बैठ जाए तो मजा आ जाओगा यार जिंदगी। सारे फालतू की बकवास कर रहे हो, अनीता भाभी से बोलेंगे ना तो वो लताड़ के बाहर निकाल देंगे, घर से बकवास कर रहे हो। सही कह रही है मलखान, पहली बार तो उसने कोई अकल की बात की है। एक काम करते हैं, अपनी सीधी सादी भाभी अंगूरी भाभी के पास अपनी फरियाद लेकर जाते हैं। मुझे लग रहा है कि बस वही कुछ हमारी उम्मीदों की। ये बचाओ, भाग अर्जुन। मैं कहाँ? आप जोर जोर से चिल्ला रहे थे भाग अर्जुन भाग। पड़ता मुझे कुछ याद नहीं। एक काम करते हैं भाभी जी, ये सारा घटनाक्रम एक बार फिर से दोहराते हैं। क्या मतलब है फिर से दोहराते हैं? आपको टीका मलखान और टिल्लू मिलकर जब मारेंगे ना, तो हो सकता है कि इनको कुछ याद आ जाए। ऐसा कैसे हो सकता है? सृष्टि को शुक कैसे मार सकती? और आप सब लोग देख नहीं रहे हैं, सृष्टि होश में नहीं थी। अरे ये होश में तब आएगी जब ये जेल जाएगी। जो कुछ भी हुआ है वो हम सब ने अपनी आंखों से देखा है, पर ऐसा तो हो सकता ना कि आंखों देखा कभी कभी छोड़ो। आई थिंक यू आर राइट रागिनी, मुझे ऐसा लगता है कि सृष्टि को कोई मेंटल डिसऑर्डर है। वासियों के कृषि अभियान को भंग करने भूमि के भीतर से आता है एक विचित्र संकट। ओ चक्रधारी, देख रहा है इनका हश्र, क्या स्थिति कर दी है मैंने इनकी, इनके रोम रोम में भगवान कंस का भय है। कैसे बचाएंगे कान्हा गोकुल वासियों के पर...
एक बार बोल देते ना, मैं ना सारी दुनिया लाके आपके कदमों में रख देता। ये बात करने लायक नहीं है तीनों के तीनों। ये सारे कर्म कांड भी कर लिए, सजा भी नहीं मिली। ये तुम बता दो मैं क्या करूँ। कान पकड़ के कहो ये ऐसी गलती कभी ना करूंगी। आप घर तो वापस आ गए हैं पर अभी भी एक बहुत जरूरी काम ना अधूरा। हमने सब कुछ तो मिल गया सर, हमें किसी भी कीमत पे हमारा अखाड़ा फिर हासिल करना पड़ेगा। कोई इसका ये रूप देख के तो पक्का यकीन हो गया हमारे को, अब तो अपना अखाड़ा वापस लेना ही पड़ेगा। और के बाबूजी, अब हम उन दुकानों को तोड़ के रख देंगे।